सभा में जिस तरह रावण की हंसी अड़ी, हंसी मजाक किया था रावण की तरह, तो एक मेरे पार्टी के मित्र ने ट्वीट किया कि जब 10 लाख होंगे तो एक अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ। अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को झूठा बताया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को झूठा बताना अपनी माता जी के चरित्र पर सवाल उठाने के बराबर है। दोस्तों, मुझे बहुत बुरा लगता है जब हमारे समाज में किसी को भी अपमानित करना होता है तो छूटकर गाली दे दी जाती है, वो भी माँ बहन की। अभी हाल ही में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को माँ बहन की गाली दी थी। अब दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपशब्द कहे, जिसको लेकर दिल्ली विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। तो एक मेरे पार्टी के मित्र ने ट्वीट किया कि जब 10 लाख बड़े होंगे तो एक अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ। मैंने कहा भाई, हमारी ये संस्कृति नहीं कि हम किसी को क्योंकि वो अपने कर्मों से बना है, हमारा कहने का कोई हक नहीं। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, भाजपा वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, डूबर पानी में डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मुख्यमंत्री का अपमान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री का अपमान नहीं करेंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने आदेश गुप्ता के बयान पर निंदा प्रस्ताव पेश किया और माफी की मांग की। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग कर रहे हैं। वहीं आप नेताओं के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोस्तों, एक मंत्री होकर ऐसे अपशब्द बोलना क्या सही है? एक मंत्री होकर माँ बहन की गाली देना क्या एक मंत्री को शोभा देता है? दोस्तों, वजह चाहे जो हो, लेकिन जिन नेताओं को हम लोगों ने वोट देकर समाज के लिए कार्य करने के लिए चुना है, अगर वो लोग इस तरह से गाली गलौज करके एक दूसरे को सही साबित करेंगे, इससे क्या देश का विकास होगा? यूं माँ बहन की गाली देकर वो लोग अपने संस्कार ही दिखाते हैं। कपिल मिश्रा और आदेश गुप्ता के इस बयान पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।